देखे ना जन्नतुल बकी, वो वाला कब्रस्तान जिसमें कोई दफन हो जाए तो नबी पाक की सिफारिश का हकदार हो गया, वो वाला कब्रस्तान जिसका नाम ही जन्नत है। वहां ना एक यहूदी अपने जानवर बांधा करता था, तो सरकार एक दिन उस तरफ गए तो वापस आए, हजरत उस्मान गनी करीब खड़े थे। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान उस जगह की तरफ जरा चक्कर लगाना, जगह बड़ी अच्छी है। उस्मान गनी गए, जगह खरीद के वापस आ गए। हुजूर ने फरमाया, हुआ है अर्ज की हुजूर खरीद आया हूं। फरमाया, मैंने तो चक्कर लगाने का कहा था। कहा, या रसूलल्लाह आपने ये भी तो फरमाया था जगह बड़ी अच्छी है, तो जिसको आपने अच्छा कह दिया यहूदी के पास तो नहीं ना रहनी चाहिए, तो मैंने खरीद दी। शर्म नहीं आती लोगों को हजरत उस्मान के बारे में बात करते हैं, जिस कब्रस्तान में सैयदा पाक बीबी साहिबा हजरत फातिमा तज़हरा आराम कर रही है, वो जमीन हजरत उस्मान ने तोहफा दी है। हया नहीं आती बात करते, शर्म नहीं आती। ये सदका सैयदा फातिमा का ही है, उन्हीं के लिए अल्लाह ने तोहफा दिया, पर उसके पैसे हजरत उस्मान गनी ने अदा किए। फिर उस कब्रस्तान में सैयदा पाक ने आराम किया, फिर उसी कब्रस्तान में उस्मान इब्ने मज़ऊन ने आराम किया, फिर उसी कब्रस्तान में हजरत हलीमा सादिया लेटी हुई है, उसी कब्रस्तान के अंदर नबी पाक की ज़ौजा सैयदा आयशा आराम करती है, फिर उसी जमीन पर मेरे महबूब के प्यारे नवासे इमाम हसन आराम फरमाए। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बात करते तेरी जुबान नहीं कांपती? उनको बात करता है जिनके तोहफे अहले बैत नबूवत ने कबूल फरमाए, और वहां आराम करने उन्होंने पसंद किया, इतना बड़ा जुर्रतमंद हो गया तू। हजरत सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला ने सखावत की तो कमाल कर दिया हजरत उस्मान गनी। और फिर जरूरत से ज्यादा पैसे दे के, वो कुएं की बात बड़ी मारूफ है, मैंने बस इशारा करना है, नबी पाक ने भी ऐलान किया तो बड़ा ही ऐलान कर दिया। पर मैं, वो मीठे पानी का कुआं है, कब्जा यहूदी का है, जो बंदा खरीद कर वक्फ करेगा ना उसे क्या मिलेगा? तो हुजूर ने फरमाया, मेरी जेब में जन्नत की टिकट है, मैं उसे जन्नत दे देनी। ये है अर्ज जन्नत, ये तैबा की जमीन है, जन्नत भी यही, माल के जन्नत भी यही है, जन्नत ले ले मुझसे, ले ले। हजरत उस्मान गनी गए, उसको कहा, भाई कुआं मेरे हाथ बेच दे। कुएं की कीमत थी 500-700 दिनार, तो हजरत उस्मान 500-600 दिनार कुल कुएं की कीमत थी। जनाब उस्मान गनी गए, यहूदी को पता था कि ये खरीदना चाहते हैं, फरमाया, यार ये कुआं बेच दो। कहने लगा, नहीं बेचना। फरमाया, कीमत मुंह मांगी। कहने लगा, कीमत मेरी मर्जी की? कहा, तुम्हारी मर्जी की, अपनी अपनी औकात होती है ना कीमत लगाने की, तुम्हारी मर्जी की। कहने लगा, मेरी शर्त है, मैं एक दिन के लिए कुआं दूंगा, एक दिन मैं, एक दिन आप। फरमाया, ये भी मंजूर है। कितने पैसे? उसने कहा, मैं 3000 दिनार लूंगा, 500-600 का है। तो उस्मान गनी फरमाने लगे, तूने अपनी औकात के मुताबिक 3000 मांगा है, मैं 40000 लेके आया था। अपनी औकात के मुताबिक मांगा, 40000 दिनार मेरी जेब में। यहूदी कहने लगा, उस्मान तू ताजर है, और आम ताजर नहीं, आलमी सतह का ताजर है, लोग तेरी तिजारत की मिसालें अरब में देते हैं, पर 500-600 का कुमार 40000? फरमाने लगे, मसला कुएं का नहीं, मसला मुस्तफा के फरमान का है। वो जो हुजूर का फरमान पूरा करना है ना, उसके लिए 40000 थोड़े हैं, मेरे पास 6 ही इतने जो लेके आया हूं। हजरत उस्मान ने पैसे चुकाए, उसने कहा, एक दिन पानी मिलेगा। पर मैं मंजूर है, वो एक दिन बेचा करता था पानी। हजरत उस्मान ने ऐलान कर दिया, जो मेरा दिन है ना, फ्री पियो, अपने भी पियो, बेगाने। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं कि मैंने पहले भी मैं बड़ा ताजर था, लेकिन जब से मुस्तफा के नाम पर खर्च करना शुरू किया, फिर कहां कहां से आया कब। और बड़ी सियानी बात फरमाते हैं, आप फरमाते हैं, मैं कलमा पढ़ने से पहले तजारत को वक्त ज्यादा देता था, और मुसलमान होने के बाद मैंने तजारत को टाइम थोड़ा दिया, पर अल्लाह ने रोजी मुझे ज्यादा अता फरमाई।